हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए गाजर के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। तो जो आज हम गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा और साथ ही साथ बहुत जल्दी बन जाएगा। तो इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों को आपको ज़रूरत रहेगी वो रहेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो 500 ग्राम्स जो है वो गाजर ले ली थी, जिसको मैंने कद्दूकश कर ली है। कद्दूकश करने से ये फ़ायदा रहेगा कि जो आपकी गाजर है वो जल्दी पक पाएंगी और आप जल्दी से अपना गजरेला बना पाएंगे। उसके साथ आपको चाहिए होगा दूध, मैंने यहाँ पे 1 गिलास दूध ले लिया। उसके साथ आपको घी की ज़रूरत पड़ेगी। घी के साथ आपको चाहिए होगा खोया, खोया भी बोलते हैं इसको या मावा भी बोलते हैं, ये चाहिए होगा। इसके साथ आपको चाहिए होगी इलायची, साथ में चाहिए होंगे आपको बादाम और साथ में चाहिए होगा गुड़। यहाँ पर मैंने गुड़ जो है वो 200 ग्राम्स लिए। अगर आप गुड़ नहीं खाना चाहते तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चीनी भी 200 ग्राम्स ले लीजिएगा। तो अब आप इन सब का इस्तेमाल करके अपना गाजर का हलवा घर पे बहुत आसानी से और टेस्टी बना पाएंगे। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, गैस ऑन कर लेंगे। अब गैस ऑन करने के बाद सबसे पहले इसमें जाएगा 1 चम्मच घी। तो 1 चम्मच घी डाल दीजिएगा। अब इसको मेल्ट होने देते हैं। तो घी मेल्ट हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, इसमें गाजर डाल देंगे जो हमने कद्दूकश की थी, और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे घी के साथ और इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। तो 1 मिनट हो चुका है, आप देख पाओगे कि जो गाजर है ना वो घी के साथ अच्छे से मिक्सअप भी हो गई है और थोड़ी थोड़ी पकना भी स्टार्ट हो गई है। तो अब हम ऐसे ही इसको रहने देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो आपकी गाजर है वो अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाए, और बीच में 1 या 2 बारी हिला भी लेंगे ताकि आपकी गाजर जो है वो नीचे ना लगे। तो अब हम 5 मिनट्स तक इसको ऐसे ही कुक होने देते हैं। तो 5 मिनट्स हो चुके हैं, आप एक बार और देख पाओगे कि जो गाजर के अंदर अपना जो उसका पानी था ना वो भी सूख चुका है और गाजर जो है वो थोड़ी थोड़ी पकना भी स्टार्ट हो गई है। तो इसी टाइम पे अब हम क्या करेंगे, जो दूध है उसको डाल देंगे। अब जितनी भी प्रोसेस है पकने की वो अब इस वजह से भी होगी कि हमने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड ऑन कर दिया है। अब इसको अच्छे से, जब तक आपका दूध जो है वो गाढ़ा ना हो जाएगा गाजर का हलवा नहीं के लिए, तब तक हम इसको अच्छे से पकने देंगे। तो 10 मिनट्स हो चुके हैं, आप देख पाओगे एक तो गाजर भी अच्छे से पक चुकी है और साथ ही साथ इसके अंदर जो भी गाजर के अपने जूस थे या जो हमने दूध ऐड किया था वो सारा का सारा जो है रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है। तो अब हम इसी टाइम पर क्या करेंगे, अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, लेकिन थोड़े ही डालिएगा, थोड़े हम एज अ गार्निश के लिए रखेंगे। और साथ में इसमें जाएगा गुड़, मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हो या चीनी भी यूज़ कर सकते हो। तो हम ये सारा डाल देंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक मैं आपको टिप दे दूँ, जब आप दूध डालते हो ना उसी समय आपने गुड़ या चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा जो आपका दूध है वो ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए जब तक आपका जो आपने जो दूध का इस्तेमाल किया है गाजर में, जब तक वो बिल्कुल अच्छे से कम ना हो जाए, रिड्यूस ना हो जाए, तब तक आप चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो आपका गजरेला ख़राब हो सकता है। तो ये एक टिप थी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। जो गुड़ है वो अच्छे से अब मिक्स हो चुका है, अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक जो गुड़ है वो जो चाशनी है गुड़ की वो बिल्कुल अच्छे से गजरेला के साथ मिक्स होके सूख ना जाए। तो 10 मिनट्स और हो चुके हैं, तो आप देख पाओगे जो गुड़ है वो बहुत अच्छे से मेल्ट होके पक भी चुका है और गाजर के साथ भी अच्छे से मिक्सअप हो चुका है। तो इसके बाद अब इसमें जाएगी हरी इलायची, जिसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया और उसका एक पाउडर सा बना लिया। अब ये डालने के बाद इसके अंदर जाएगा आपका खोया, अब आप खोया डाल दीजिए। और खोया डालने के बाद इसको फिर से अच्छे से मिक्स कीजिए, और अब ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 मिनट्स के लिए पकाना है, ताकि खोया जो है वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आपने खोया डाल दिया ना उसके बाद आप इसको हिलाते रहिएगा, अदरवाइज़ जो आपका गाजर का हलवा है ना वो नीचे लग सकता है। तो इसलिए जब आपने खोया डाला तो इसको हिलाते हुए 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लीजिए, ताकि जो खोया है वो अच्छे से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो अब हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 2 मिनट्स हो चुके हैं,
आप देख पाओगे कितने अच्छे से मिक्सअप हो चुका है सारा का सारा चीज़ें जो हमने गाजर में डाली थी। और इसी टाइम पे हम गैस ऑफ कर देंगे और आपका गजरेला बिल्कुल रेडी टू सर्व है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब मैं सारा का सारा गाजर का हलवा इस बर्तन में निकाल लूंगी। तो गाजर का हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर आपके बचे हुए बादाम डाल देंगे एज अ गार्निश। आप कोई और भी ड्राई फ्रूट डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो आपका गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी टू सर्व है। आप इसको ऐसे ही गर्मा गर्म इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को।